परसों हमारी पार्षद भारती जहांगीर जी की मृत्यु ऑक्सीजन के फैक्ट्रेट होने के कारण से हुई थी और एक मिनट के उस व्यवधान ने उनकी जान ले ली। जेएलएन हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं ठीक नहीं हैं, इसको लेकर के हमने आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि जो केंद्र सरकार ने हमारे वेंटिलेटर भेजे हैं उनको इस्तेमाल नहीं करने का कारण वो उनमें टेक्निकल खामी बता रहे हैं। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि आज सैटेलाइट हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन प्लांट प्रारंभ हुआ है वो ऑक्सीजन प्लांट आज ठीक गति के साथ में शुरू हुआ है। मुझे लगता है कि तीसरा फेज आते आते वो ये ना कह दें कि ये केंद्र सरकार ने खराब भेजा था, इसलिए आज मैं मीडिया के माध्यम से अशोक गहलोत जी तक ये बात पहुंचाना चाहती हूं कि ये ऑक्सीजन प्लांट सही स्थिति में केंद्र सरकार ने भेजा है और आज 100 सिलेंडर की क्षमता के साथ में वो ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का लाभ किसी भी हॉस्पिटल में नहीं मिल रहा है, ये बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर के आज हम कलेक्टर महोदय से मिले हैं। शमशानों की व्यवस्थाएँ ठीक प्रकार से नहीं हो पा रही हैं, ऑक्सीमीटर नहीं मिल रहे हैं, रेमडेसिविर इंजेक्शन्स नहीं मिल रहे हैं, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको प्रशासन को ध्यान देना चाहिए लेकिन उन्होंने पूरा नहीं किया। इन्हीं चीज़ों को लेकर के आज कलेक्टर महोदय से हमने मुलाकात की है और तुरंत जांच कर समाधान मांगा गया है। समाधान नहीं करने पर आने वाले समय में और भारतीय जनता पार्टी की ओर से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा, इसी बात को लेकर के हमने ये ज्ञापन दिया है।